एयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की। ग्लिसरॉल जो है ये इट इज़ ईजिली सॉल्यूबल इन वाटर और इसके अंदर तीन OH फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.26 है और इस स्ट्रक्चर को डिफरेंट वे से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम इस तीन डिफरेंट तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ये एंगल के हिसाब से इसको दर्शाया गया। ग्लिसरॉल जो है इट अकर्स एज ग्लिसराइल एस्टर्स ऑफ हायर फैटी एसिड इन वेजिटेबल्स एंड एनिमल ऑयल्स एंड फैट्स। ग्लिसरॉल ट्राई एस्टर के रूप में लगभग सभी जीवों तथा वनस्पति तेलों में पाया जाता है। इन ट्राई एस्टरों को ग्लिसराइड भी कहा जाता है। वसा तथा तेलों में जो मुख्य ग्लिसराइड होते हैं वो होते हैं ग्लिसराइड ट्राई स्टीयरेट, ग्लिसराइड ट्राई पामिटेट, ग्लिसराइड ट्राई ओलिएट आदि। प्रिपरेशन फ्रॉम ऑयल्स एंड फैट्स ये ट्राइग्लिसराइड के साथ, तो ट्राइग्लिसराइड का जब अल्कली के साथ रिएक्शन करते हैं तो सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड बनता है जिसे सोप कहा जाता है और साथ में ग्लिसरॉल एज ए बाई प्रोडक्ट बनता है। ये जो सोप जो है इस मिक्सचर के अंदर अब सोडियम क्लोराइड डालते हैं हम, जिससे सोप जो है प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है और इसको जब हम फिल्टर करेंगे तो एक रेसिड्यू होगा और एक फिल्ट्रेट होगा। इस रिएक्शन में सोप बनता है या सोप बनता है, इसलिए इस रिएक्शन को सपोनिफिकेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। जो ये सोप को फिल्टर करने के बाद या उसको हटाने के बाद जो फिल्ट्रेट बचता है उसको हम स्पेंट लाय या शेष लाय कहते हैं, जिसके अंदर ग्लिसरॉल 5% रहता है। इसको कंसंट्रेटेड कर लेते हैं वैक्यूम में, फिर सक्रिय चारकोल के साथ डीकलराइज करके एक क्लियरलेस ग्लिसरॉल हमें प्राप्त होता है, कलरलेस ग्लिसरॉल हमें प्राप्त होता है। ग्लिसरॉल को हम शुगर के किण्वन से भी प्राप्त कर सकते हैं। शुगर को ईस्ट की उपस्थिति में मॉइस्चर के साथ हम ग्लिसरॉल एज ए बाय प्रोडक्ट हमें मिलता है, साथ में हमें ग्लूकोज प्राप्त होता है। और यदि इसके अंदर हम सोडियम सल्फाइड, इसके अंदर जो बाय प्रोडक्ट मिलता है ग्लिसरॉल वो 3% होता है, परंतु इस रिएक्शन के अंदर यदि हम सोडियम सल्फाइड डाल देते हैं तो ये 3% से 20 से 25% बढ़ जाता है। ग्लिसरॉल को हम सिंथेसिस भी कर सकते हैं। क्लोरीन के प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, फिर इसका रिडक्शन करते हैं और फिर इसका जो है क्लोरीन का एडिशन करते हैं फर्दर परऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके और हाइड्रोलाइसिस करके हम इसको सिंथेसाइज कर सकते हैं। ग्लिसरॉल केमिकल रिएक्शन हाइड्रोआयोडिक एसिड के साथ जब इसको हम गर्म करते हैं तो ये तीन आयोडाइड मॉलिक्यूल जो है तीनों OH मॉलिक्यूल को रिप्लेस करके जुड़ जाते हैं, परंतु आयोडीन जो है इसके साइज बड़ा होने के कारण ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है। जल्दी से दो आयोडीन मॉलिक्यूल निकल जाता है और हमें एलाइल आयोडाइड मिलता है। ग्लिसरॉल को जब हम डिहाइड्रेशन रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम बाइसल्फेट या एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के साथ तो हमें एक्रोलीन मिलता है। तो ग्लिसरॉल के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं इसका सोडियम बाइसल्फेट और एनहाइड्रस जिंक के साथ तो दो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकल जाता है और एक अनस्टेबल कंपाउंड बनता है और उसका रीअरेंजमेंट होने के बाद हमें एक्रोलीन मिलता है। तो ये रिएक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक्रोलीन जो बनता है इसका एक ऑर्डर होता है जो कि बहुत ऑफेंसिव या बहुत गंदी होती है और इस ऑर्डर से इस रिएक्शन को हम पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं ग्लिसरॉल को। मतलब ये रिएक्शन जो है इट इज़ यूज्ड एज द टेस्ट फॉर द ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल को जब हम कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्रिक एसिड तो ये ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट देता है
जिसे नाइट्रोग्लिसरीन भी कहा जाता है और ये एक एक्सप्लोसिव सब्सटेंस होता है। जब ग्लिसरॉल का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ होता है 110 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो ये मिक्सचर ऑफ कंपाउंड देता है अल्फा ग्लिसरॉल मोनोक्लोरोहाइड्रिन और बीटा ग्लिसरॉल मोनोक्लोरोहाइड्रिन। ग्लिसरॉल के जो पहला और तीसरा कार्बन एटम, इसका नेचर सेम है, इसलिए इसको अल्फा अल्फा डैश पोजीशन दी गई है और बीच वाले को बीटा पोजीशन दी गई है। तो इसमें मिक्सचर ऑफ कंपाउंड मिलता है। अब ये रिएक्शन जो है लंबे समय तक इसको ऐसा ही पड़े रहने दे, मीन्स हम इसके अंदर HCl है इसके अंदर लंबे समय तक, तो ये फर्दर रिएक्ट करके ये मिक्सचर और प्रोडक्ट देगा ग्लिसरॉल अल्फा बीटा डाइक्लोरोहाइड्रिन। अल्फा पोजीशन और बीटा पोजीशन में क्लोरीन एटम जुड़ जाता है और अल्फा अल्फा डैश डाइक्लोरोहाइड्रिन, ये अल्फा और अल्फा डैश पोजीशन में दो क्लोरीन एटम जुड़ जाता है। रिएक्शन विथ ऑक्सलिक एसिड, डिफरेंट टेम्परेचर में ऑक्सलिक एसिड के साथ रिएक्ट करके ये डिफरेंट प्रोडक्ट देता है। 230 और 260 डिग्री सेंटीग्रेड में रिएक्ट करके ये दो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और उसका फर्दर दो मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के बाद ये एलाइल अल्कोहल देता है। 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड में रिएक्ट करता है तो ऑक्सलिक एसिड के साथ, तो एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकल जाता है और फिर एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के बाद फर्दर इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें ग्लिसरॉल प्राप्त होता, साथ में फॉर्मिक एसिड प्राप्त होता है। तो इस रिएक्शन की स्पेशलिटी ये है कि हमने ग्लिसरॉल का रिएक्शन किया पर और हमें जो प्रोडक्ट मिलता है उसमें भी हम ग्लिसरॉल मिलता है और साथ में हमें एक एसिड भी मिलता है। यहाँ पे ग्लिसरॉल और ऑक्सलिक एसिड का रिएक्शन किया था और हमें प्रोडक्ट में ग्लिसरॉल और एक दूसरा एसिड फॉर्मिक एसिड मिला। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ग्लिसरॉल का जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स देता है। इसको ऑक्सीडेशन करते हैं तो ग्लिसरल्डिहाइड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन देता है। ग्लिसरल्डिहाइड को फर्दर हाइड्रो ऑक्सीडेशन करेंगे तो ग्लिसरिक एसिड, फर्दर करेंगे तो टार्ट्रोनिक एसिड, फिर मीजो ऑक्सलिक एसिड एंड फाइनली ऑक्सलिक एसिड, और इसको थोड़ा ज़्यादा ही समय तक रख देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हाइड्रोक्सी पाइरुविक एसिड और फर्दर ऑक्सीडेशन से मीजो ऑक्सलिक एसिड देता है। अब ये जो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है ये डिफरेंट रिएजेंट के साथ ये डिफरेंट देता है। जब डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो जो प्रोडक्ट है वो ग्लिसरिक एसिड और टार्ट्रोनिक एसिड होता है। जब कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो मेन प्रोडक्ट जो है ग्लिसरिक एसिड होता है। जब हॉट एसिडिक KMnO4 के साथ करते हैं तो ऑक्सलिक एसिड एंड फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जब फेंटन्स रिएजेंट मीन्स FeSO4 और H2O के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो ये ग्लिसरल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन देता है। और ये दोनों रिएजेंट यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड में कंडेंस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली तो ये फ्रक्टोज देता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। बिस्मथ ट्राइनाइट्रेट के प्रेजेंस में जब ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें प्रोडक्ट मिलता है मीजो ऑक्सलिक। तो ये यहाँ पर ये अल्कोहल चैप्टर कंप्लीट होता है। कीप स्माइलिंग और अच्छी तरह